विदाउट क्रीम ही होता है, बट हमें क्लाइंट को रिलैक्स करना है। तो आप जो फेदर टच देते हो ना स्लो हाथों से, या कभी कभी ऐसा होता है ये जो फॉरहेड वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देते हो तो क्लाइंट को रिलैक्सेशन होता है। कभी हेडेक अगर है क्लाइंट को तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें आप पहले करोगे तो क्लाइंट को आधा तो रिलैक्स आप तभी कर दोगे शांत। ओके, और कभी भी कोई भी स्किन से रिलेटेड सर्विस ज़्यादातर में या कहीं पर भी जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ, तो सबसे मेन चीज़ है ये हार्मोनाइजेशन। आप देखोगे ये कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्लाइंट को रिलैक्स करो, तभी ही आप अच्छी सर्विस दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं मेकअप रिमूवल, बेबी ऑयल से करते हैं। ठीक है, मेकअप रिमूवल भी आते हैं बहुत सारे, बट आप ज़्यादातर उसको स्किन पर यूज़ ना करो तो ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि जो टोनर बिल्कुल यूज़ कर सकते हो पर टोनर से उतना अच्छे से मेकअप रिमूव नहीं होगा, ऑयल से हो जाता। अब देखते हैं ना लिपस्टिक्स, आजकल मैट लिपस्टिक्स जो आती हैं कितना उसको रिमूव करने की कोशिश करते तो भी नहीं होती है, तो वो ऑयल से ही, आप कुछ भी चीज़ ले लो उससे नहीं होती। अब रोज वाटर तो बहुत माइल्ड है तो उसको आप एज अ टोनर यूज़ करो ज़्यादा बेस्ट। तो हम लोग रिमूव करते हैं, थोड़ी देर आपको सेकंड्स रुकना है ताकि जो लिपस्टिक है वो भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, या आई मेकअप काजल लाइनर कुछ भी लगाओ तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। पीछे रीजन है, हम लोग ने ऐसे रखा और ऐसे उठा लिया तो क्लाइंट डिस्टर्ब होता है ना, हो जाता है डिस्टर्ब, क्योंकि एकदम से अगर आप उठाओगे तो क्लाइंट को पता भी नहीं कि आप क्या करने वाले हैं। तो इसीलिए क्लाइंट को पहले प्रिपेयर करना जरूरी है कि अगर आप इस तरह से प्रेस करके उठाओगे तो क्लाइंट को पता है कि आप ये आईपैड हटाने वाले हैं, तो पहले प्रिपेयर हो जाए, है ना। तो इसीलिए हमेशा इस तरह से नहीं होता, फेस को क्लीन करना है, बट हम इस पर ऑयल नहीं ले सकते क्योंकि फेस पे हम ऑयल लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ गीली कॉटन लेंगे जिससे हम क्या करेंगे फेस को क्लीन करेंगे, इस तरह से होल्ड करके पूरे फेस को आपको क्लीन करना है। अगर उन्होंने सनस्क्रीन भी लगाया होगा तो वो भी हट जाए। मैम एक बार फिर से बताइए क्या ये फेस फेस को क्लीन करना, कि अगर क्लाइंट ने कुछ लगाया हो फेस पर तो उसको हम बस क्लीन कर रहे हैं वाइट कॉटन से, गीली कॉटन है और कुछ भी नहीं लिया है। हमारे माइंड में कि अच्छा तो होगा या नहीं, पता नहीं वहाँ पे लोग कैसे होंगे, बात अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे, गुस्सा तो नहीं करेंगे, या कोई भी चीज़ हमारे माइंड में चलती है। अभी आप लोग भी अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट करने आए होंगे तो उस टाइम आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ होगी ना कि कैसे बात होगी, कैसे लोग होंगे वहाँ पे, अच्छे से हमें ट्रीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो बहुत चीज़ें होती है क्लाइंट के माइंड में। तो हमेशा उनके बारे में सोचना है, हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमेशा उनके बारे में सोचना, क्योंकि क्लाइंट बोलते हैं ना कस्टमर भगवान होते हैं हमारे लिए, तो वैसे हमारे क्लाइंट है। ठीक है, ओके, तो फेस क्लीन हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लींजिंग, बट वो भी मैटर करता है कि कौन से स्किन टाइप पे आप क्या दोगे, तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कितने टाइप के क्लींजर होते हैं, या आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, आप लोग तो करते होंगे, तो किस कौन सा टाइप का क्लींजर कौन से स्किन टाइप पे आप देते हैं कुछ आइडिया बता सकते हैं आप लोग। ऑयल बेस पे जेल बेस पे क्लींजर देती हूँ। ओके, कौन सा क्लींजर जेल बेस क्लींजर देती हूँ आप, ऑयली स्किन पर? ओके, और ड्राई स्किन पे क्रीम बेस। ओके, टोनर टोनर टाइप में आता है क्लींजर जो एक्ने के लिए रहता है। तो जो मैच्योर होगी स्किन, मतलब जैसे जो स्किन ड्राई होती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, तो उसमें आप क्रीम बेस्ड क्लींजर ले सकते हो, है ना। अगर आपने ऑयली स्किन पे दे दिया तो और मॉइस्चर हो जाएगा, उनको एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा, तो उसमें हम ऐसे क्लींजर यूज़ करते हैं जिसमें डिटर्जेंट होता है, फोम क्रिएट होता है। अभी मैं करूँगी क्लींजिंग तो उसमें फोम क्रिएट नहीं होगा क्योंकि उसमें डिटर्जेंट नहीं है, उसमें ऑयल है। ठीक है, तो ऑयल अच्छे से फेस को क्लीन कर देगा, लेकिन अगर आप देखते हो जिसमें फोम क्रिएट होता है, नॉर्मल फेस वॉश अगर आप लोग लेकर आते हो तो वो फेस वॉश अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें डिटर्जेंट है तभी वो फोम क्रिएट करे, नहीं तो वो नहीं करे। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फोम बेस्ड क्लींजर हमें नहीं लेना है अगर आपका स्किन ड्राई है, तो अगर ऑयली है तो बिल्कुल बिल्कुल यूज़ कर सकते हो,
तो जितने भी फेस वॉश आते हैं मार्केट में वो सारे नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए होते हैं या तो फिर ऑयली के लिए होते हैं, वो ड्राई के लिए नहीं होते। चलो आप लोग मुझे बता सकते हैं कितने स्किन टाइप होते हैं? फोर टाइप ऑफ स्किन होते हैं। कौन कौन से? ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेमी ड्राई। और कोई एक्स्ट्रा? सेमी ड्राई और स्ट्रीम ड्राई भी होती है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली स्किन टाइप एक ही होता है, वो है नॉर्मल। सभी को नॉर्मल स्किन चाहिए। अगर आप देखोगे आपकी स्किन ड्राई हो रही है, ऑयली हो रही है, तो प्रॉब्लमेटिक स्किन हुई ना। किस किस को लगता है? ये मैच्योर स्किन, पैरेटिक होता ही मैच्योर स्किन पे एक एज के बाद, 35 अगर आपकी एज है उसके बाद आप ये फेशियल करवा सकते हैं ताकि आपकी स्किन लूज ना हो। फेस लिफ्टिंग पैरेटिक, तो वही मैं बात कर रही थी कि स्किन टाइप की, कि स्किन टाइप एक ही होता है, वो होता है नॉर्मल। अगर आपकी स्किन ड्राई की तरफ जा रही है, ऑयली की तरफ जा रही है, तो वो होती है हमारी प्रॉब्लमेटिक स्किन। तो किस में प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम तो कोई नहीं चाहता, सभी को नॉर्मल स्किन चाहिए, तो वही हमारा स्किन टाइप होता है। अगर आप बर्थ देखें तो आपने देखा है किसी बच्चे को कभी एक्ने होते हुए या उनकी स्किन एक्सेसिव ड्राई देखी है कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि वही स्किन टाइप हमारा नेचुरल स्किन टाइप होता है, नॉर्मल स्किन टाइप। अगर हम देखें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एज हमारी बढ़ती है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। अब क्लाइमेट देखो, कितनी गर्मी है 2-3 दिन से, तो उसकी वजह से कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्लाइमेट की वजह से भी हमारी स्किन चेंज हो। तो इसको आप नहीं बोल सकते कि वो एक स्किन टाइप, ठीक है? स्किन टाइप की प्रॉब्लम है जी। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो सारे ऑरेंज के लिए। जितनी भी अभी मैं फेशियल किट भी यूज़ करूँगी, वो भी ऑरेंज की है। ये हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो स्किन को हाइड्रेट करता है। मतलब देखते हैं पानी की कमी को पूरा करना। अभी मैंने हाइलुरोनिक इसीलिए लिया है गर्मी की वजह से। अगर विंटर्स होते तो मैं नहीं यूज़ करती, मैं कुछ और यूज़ करती विंटर्स। बट अभी समर सीजन चल रहा है, बहुत गर्मी, इसलिए मैं हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये पानी की कमी को हाइलुरोनिक। आपको अगर स्किन पे वर्क कर रहे हो तो आपको इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल सुनते हैं ना बहुत अजीब अजीब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सैलिसिलिक एसिड हुआ, नियासिनमाइड हुआ, ग्लाइकोलिक एसिड, AHA, BHA, बहुत चीज़ें, तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी की स्किन को ट्रीट कर रहे हैं। वो गर्ल्स को तो आजकल पता होता ही, सर्च नहीं करते। आप लोग CTM करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो CTM क्यों करना चाहिए? क्योंकि CTM तो देखो ऐसी चीज़ें, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो तो करना ही चाहिए रोज, बट उसके बेनिफिट क्या है? उसके बेनिफिट स्किन हार्म नहीं होती प्रोडक्ट, और ग्लोइंग रहती है, हाइड्रेट रहती है स्किन टाइप के लिए। अगर हम बोले डेली स्किन केयर हमारा, तो वो होता ही CTM। अगर आप प्रॉपर CTM कर रहे हो तो आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन जैसे होता है डार्क हो जाती है हमारी स्किन, ना वो प्रॉब्लम होगी, ना एक्ने प्रॉब्लम होगी, ना आपकी स्किन ड्राई होगी, कुछ भी नहीं अगर आप प्रॉपर CTM रोज करते हो। तो ये होता है हमारे स्किन का बेसिक किट, ठीक है? अगर हम देखें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम्स इन द सेंस, अगर हम बोले हार्मोनल चेंजेस हो गया, अब इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है तो हमारी स्किन उससे ख़राब हो रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, एक हद तक। बट अगर एक्सटर्नली आप देखो, डस्ट, डर्ट, क्लाइमेट जो भी है, उससे हम हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते अगर आप प्रॉपर CTM कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आज ही मैं मॉर्निंग क्लास में लोगों को सिखा रही थी, इनका हमेशा क्वेश्चन होते थे जब वो क्लास स्टार्ट, मैम एक ही प्रोडक्ट हमेशा, एक ही प्रोडक्ट क्यों ऐसा? मैं अदर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, ग्रीसलिन और गुलाब जल सिर्फ। ओके,
और मैच्योर स्किन है। टोनर रोज वाटर यूज करो क्योंकि सबसे ज्यादा माइल्ड है, तो इससे स्किन पे हार्म नहीं होगा क्योंकि मैच्योर स्किन पतली होती है, ठीक है। अगर आप कोई और टोनर यूज करोगे तो जलन होने लगेगी, तो इसीलिए मैं अभी नॉर्मल रोज वाटर यूज कर रही हूँ क्योंकि इनका स्किन टाइप क्या है, मैच्योर, क्योंकि मैच्योर स्किन सबसे पतली होती है और लूज भी होती है, ठीक है। तो फेस वॉश करने के बाद टोनर कौन कौन लगाता है आप लोग, तरीका क्या होता है आप लोग का टोनर लगाने का? स्प्रे करने के बाद फिंगर से सिलाइटिंग करें। ओके, हम लोग क्लींजिंग के बाद नहीं करते इस तरह के क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। अभी मैंने क्लींजिंग किया, अभी अगर फेस को मैं टच करूंगी ना कहीं क्लींजर ऐसी चीज होती है जो रह जाती है फेस पर, वो चिकनाहट होती है उसमें थोड़ी, अगर आप उसको इस तरह से क्लीन करोगे तो टोनर का एक मेन काम भी होता है कि जो अगर एक्सेस क्लींजर होता है वो भी वो निकाल देता है। तो अगर आप स्प्रे करोगे या डैप करोगे तो उससे क्या होगा, वो फॉलिकल के अंदर चला जाएगा, आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। तो हमेशा क्लींजिंग के बाद इस तरह से टोनर करना चाहिए ताकि अगर क्लींजर होगा भी तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लींजर हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है ना। हो सकता है आगे चल के आपको इससे एक्ने प्रॉब्लम भी हो जाए। बहुत से क्लाइंट होते हैं ऐसे बोल देते हैं कि फेशियल के बाद तो एक्ने हो गए, तो रीजन यही होता है कि अगर आपकी क्लींजिंग प्रॉपर नहीं है तो एक्ने प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमेशा इस तरह से क्लीन करो जिससे प्रॉब्लम ही ना हो। ओके ओके, सो मैं प्रोडक्ट की बात कर रही थी आप लोगों से। तो हम लोग ये सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं और प्रोडक्ट लेंगे, होती ये चीज, एक प्रोडक्ट खरीद लिया बहुत महंगा है, अब ये जब तक खत्म नहीं होगा हम दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच ही नहीं करेंगे। कौन कौन ऐसे सोचते हैं, सभी सोचते होंगे, मैं भी पहले ये सोचती थी कि अब खरीद लिया इसको वेस्ट थोड़ी करूँगी, है ना। बट अब मैंने अभी के क्लाइमेट के हिसाब से कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, अब आगे विंटर्स या रेनी सीजन आएगा उस टाइम पे तो ह्यूमिडिटी कितनी होती है, तो अगर मैं वही प्रोडक्ट उस क्लाइमेट में भी यूज़ करूँगी तो हो सकता है वो मेरी स्किन को हार्म करे, और विंटर्स में आऊँगी तो स्किन तो ड्राई होगी ठंड की वजह से, तो उस टाइम पे भी मैं अगर वही प्रोडक्ट यूज़ करूँ जो मेरी स्किन को ड्राई करे तो स्किन तो ख़राब होगी। तो इसीलिए हमें क्लाइमेट के हिसाब से भी प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट पर रहो हमेशा, ठीक है। आदत लगने में टाइम लगता है प्रोडक्ट को, लेकिन हमेशा क्लाइमेट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हो। अब समझो ड्राई स्किन है, आप उसको ट्रीट कर रहे हो हैवी मॉइस्चराइजर लगा के, अब आपकी स्किन ट्रीट हो गई फिर भी आप वही मॉइस्चराइजर लगा रहे हो तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी स्किन पर। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि कब आपको कौन से प्रोडक्ट पर स्विच करें। तो यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं सोचते इतना चीज़ों को लेके, आप स्किन प्रोडक्ट को लेके भी नहीं सोचते। अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना पीछे इंग्रेडिएंट भी नहीं देखते कि हम क्या यूज़ करें, बट वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप चेक करो कि पीछे क्या लिखा है उसे, क्योंकि इंग्रेडिएंट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब पर्सनली मेरा मानना ये, मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही चीज़ बोलती हूँ कि पहले इंग्रेडिएंट्स को समझो कि वो क्या है, कैसे बना है, या वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, भले ही वो आपके घर की चीज़ है। अब घर पर आप लोग यूज़ करते हो फ्रूट्स, कौन कौन यूज़ करते हैं, पपाया किट भी आती है फेशियल किट, बनाना सब यूज करते हैं, बट आपको पता है कि कौन से मेनली कौन से स्किन टाइप पे हम दे सकते हैं उसको? पपाया को कौन से स्किन टाइप पे दिया जाता है? बनाना। अब ये मीठे फ्रूट और स्किन ड्राई होके ही मैच्योर पे जाते हैं, ठीक है। तो आप मीठे फ्रूट्स जो होते हैं वो सारे आप ड्राई स्किन पे दे सकते हो। अब जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनको ड्राई पे दे दिया तो क्या होगा, तो खट्टे फ्रूट्स हम ऑयली स्किन पे देते हैं क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, तो उसको हार्म नहीं होगा। अब ऑयल को हटाना है तो वो खट्टी चीज़ों से ही हटा सकते हो आप, तो इसीलिए खट्टे फ्रूट्स हम इस पर देते हैं। तो इस तरह से अगर आपको पता ही नहीं है इंग्रेडिएंट्स कौन से स्किन टाइप पे क्या जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं क्लाइंट की स्किन के साथ हार्म करो, तो इंग्रेडिएंट्स नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब तो बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, जैसे मैं बात करी थी AHA BHA से रिलेटेड, सारे एसिड आजकल हर क्लींजर में एसिड देखोगे आप, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, सुना है कोजिक एसिड के बारे में? वो सबसे बेस्ट होता है पिगमेंटेशन के लिए, उससे अच्छा कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं है पिगमेंटेशन, कोजिक एसिड। क्या यूज कर रहे हैं हम, ये क्या यूज कर रहे हैं, स्क्रब, स्क्रब
क्लींजिंग हो गई, टोनिंग कर ली हमने, अब हम करेंगे स्क्रब। हम कौन सी कंपनी, ये सब ऑरिक के ही ऑरिक कल से उस पर वर्क। कोजिक एसिड आप हर स्किन टाइप पे दे सकते हो अगर उनको पिगमेंटेशन है, क्योंकि वो वर्क इसी पिगमेंटेशन पे करता है, आप कोई भी स्किन टाइप पे। अगर आपको ऐसे एसिड लेना है तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, विदाउट लाइसेंस नहीं मिलते हैं ऐसे। बट अगर आपको एज ए सीरम यूज करना है, सीरम में मतलब ऐसा होता है ना, लिखा होता है 1%, 2%, 3%, तो आप वो ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अगर आप 1%, 2% कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऐसे एसिड्स भी आते हैं बहुत सारे जिसमें हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, उनको जैसे डॉक्टर्स करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो वो एसिड्स आप यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होगा आप लोगों को मार्केट में जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं। तो विदाउट लाइसेंस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं, तो अगर आपको उसका प्रॉपर नॉलेज है तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। मैम बेसिक फेशियल, बेसिक फेशियल, हाँ एक फेशियल होता है, बेसिक फेशियल हम लोग ऐसे ही करते हैं, उसमें अगर आप मशीनरी ऐड करते हो तो फिर वो ट्रीटमेंट है। और बेसिक होता तो ये बेसिक प्रोसेस, हाँ। तो उसमें हम लोग मशीन का यूज नहीं करते। हाई फ्रीक्वेंसी नॉर्मल अगर आपको करना है तो नॉर्मल में तो हम लोग देखते हैं ब्रांड्स फिर आ जाती है, आप जैसे वाइन यूज कर सकते हो, आप उसमें बहुत सारे ऐसे ना चारकोल यूज कर सकते हो, तो इस तरह से जो फ्लेवर्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हो ऑयली स्किन। हर किट पे लिखा होता है ऑल स्किन टाइप, बट बहुत सारी चीज़ें होती है ना, फिर से क्रीम भी है या जेल भी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम ऑयली स्किन पे कर रहे हैं तो हमने जेल यूज़ किया, क्रीम को अवॉइड कर दिया, क्रीम नहीं करोगे फिर उस टाइप पे, क्योंकि क्रीम दे ही नहीं सकते हम ऑयली स्किन पर। तो कोई भी किट लो आप हर स्किन टाइप पे दे सकते हो, बट क्या यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। चारकोल में हम ड्राई कर देते हैं ना, क्रीम जो होता है वो ड्राई, चारकोल जो होता है यूज करते हैं वो ड्राई करता है स्किन के बाद में, हाँ, तो इसीलिए तो ऑयली पे ऑयली के ऊपर है उसको ड्राई स्किन पे दे नहीं सकते क्योंकि वो डीप क्लींजिंग का काम करता है। डीप क्लींजिंग आप ऐसे नॉर्मली भी चारकोल का पैक लगाओ ऑयली स्किन पर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्योर चारकोल फेशियल देना, कौन सी समर में देना चाहिए, कौन सा चारकोल का समर में, यही क्लाइमेट जो अभी चल रहा है इसी सीजन में। मैम मतलब ये चारकोल तो ये अभी समर सीजन चल रहा है तो किसी भी स्किन पे दे सकते हैं क्योंकि सभी को ऑयल, सभी को होता है, बट नहीं ऐसा भी नहीं होता क्योंकि अगर ये ऑयल है तो उसमें स्वेट भी तो है, क्योंकि स्वेट ज़्यादा आता है, ऑयल से ज़्यादा स्वेट आता है, तो उसके बाद अगर आपको स्वेट ज़्यादा आ रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप बार बार अपना फेस वॉश करो, बिल्कुल ले सकते हैं, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है फेशियल। मैम ड्राई स्किन के लिए भी बताइए ना, ड्राई स्किन पे देखो मेनली अगर होता है ना, अगर हम लोग क्लिनिकल बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें तो ड्राई स्किन में अगर आपको जाना है ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ट फॉर ड्राई स्किन, बट इसकी फेशियल किट्स बहुत कम आती है, आप विटामिन सी ले लो क्योंकि ड्राई स्किन पे डलनेस भी होती है, तो आप विटामिन सी लो, वो तो ग्लोइंग का काम करता है, हर स्किन टाइप पे दे सकते हो विटामिन सी। वाइटनिंग भी बहुत सारी किट्स आती है, स्किन वाइटनिंग सीरम आता है स्किन वाइटनिंग की, वो दे सकते हो ड्राई स्किन। हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर अगर हम एडवांस की बात करते हैं तो हम एडवांस में जो केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स होता है उन्हीं का यूज़ करते हैं, हम लोग में भी नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करते क्योंकि ट्रीटमेंट करना है ना, तो ट्रीटमेंट अगर आप नॉर्मल इंग्रेडिएंट से करोगे जो फ्रूट है या फूड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उससे आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजल्ट देने में टाइम लेते हैं, और केमिकल इंग्रेडिएंट जल्दी रिजल्ट देते हैं, तो उससे अगर वर्क करोगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मैम कितने मिनट से ये करना होता है, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट। O3 चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि उस ब्रांड की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि लोगों ने बढ़ाई है। आप अगर नॉर्मल कोई रेंज भी लोगे ना तो रिजल्ट तो उससे भी बहुत अच्छा, वो ऐसा है कि आप कभी भी, आप लोग पर्सनली कौन कौन यूज करता है O3?
डेली करते हैं। हमारा हम लोग एनालिसिस करवाते हैं, जैसे हम लोग जब भी बच्चों को सिखाते हैं ना तो पहले स्किन को एनालाइज करना सिखाते हैं, उसमें क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम है सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है, तो टिक करना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टिक करो, नहीं है तो नहीं करो। तो क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है, आप कौन सा इंग्रीडियंट यूज़ करो, इस तरह की एक शीट होती है। तो हम लोग पहले क्लाइंट को मतलब बच्चों को वो सिखाते हैं। अगर उस पर क्लाइंट की सिग्नेचर है, मतलब क्लाइंट एग्री कर रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है, और क्लाइंट ने फिर भी बोल दिया कि नहीं आप तो कर दो जो भी होगा मैं देख लूँगा, बट अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई क्लाइंट को, आजकल देखते हैं बहुत केसेस भी होते हैं, अगर थोड़ी सी भी स्किन खराब हो गई किसी की तो केस कर देगा आपके ऊपर। तो इसलिए हमारे पास क्लाइंट की सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मैंने भी बहुत सारे रिव्यूज ऐसे सुने हैं ओथ्री को लेके, बट ठीक है, कोई भी ब्रांड है अपना प्रोडक्ट खराब नहीं बना, ठीक है। अगर आपको तरीका पता है यूज करने का उसको, तो सारी ब्रांड्स अच्छी। मैम उसकी कॉपी भी आती है ना, इसलिए अभी मार्केट में उसकी अधिकतर कॉपी मिलती है, और कॉपी की भी कॉपी मिलती है। तो मैटर करता है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेरल्स का तो अभी कंपनी बंद हो गई ना, हाँ नाम चेंज हो गया, किसी और ब्रांड ने खरीद लिया, बट अभी नाम रिवील नहीं हुआ उसका, अभी नहीं हुआ है, बहुत जल्दी उसका नाम रिवील हो जाएगा। कंपनी अभी मतलब नाम चेंज कर रही है, अभी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं तो आएगा, लेकिन वो कुछ और लेकिन जब आप खुद जाके सर्च करते हैं ना तो वो चीजें हमेशा दिमाग में रहती है, तो मार्केट सर्वे बहुत जरूरी है। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है फिर तो बहुत जरूरी है। बहुत सारी ब्रांड्स है हमारे यहाँ पे आ गई, अब तो इंदौर में नायका आ गया है, नायक आ गया है, बिल्कुल आप मार्केट सर्वे कर सकते हो वहाँ जाके, क्योंकि इंग्रीडियंट्स का नॉलेज आपको पता चलेगा वहाँ पे, प्रोडक्ट नॉलेज टोन के हिसाब से प्रोडक्ट सब कुछ पता चलेगा। बट उनको ये मत बोलना कि आप लोग मार्केट सर्वे करने आए हैं या कुछ सर्वे करना है, मतलब आ ही नहीं देंगे आपको अगर आप लोग को ये बोले कि आपको कुछ खरीदना नहीं है, हम तो जा ही सकते। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को पता है मैडम कपड़ा उसमें भी नहीं लिया, नेट वाले में भी। तो मशीन यूज़ करते हैं हम, मशीन बड़ी सेल नहीं किया, हमें चाहिए सॉल्व वीडियो। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है या तो आप उस पर वर्क करो, नहीं तो अपने पेज पे वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो डबल चिन अगर आपको है तो आप सिर्फ उस पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग सॉल्ट वाटर सीधे यूज करते हैं ताकि क्लाइंट की बॉडी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा पाए, ताकि क्लाइंट को फील हो, ओके। विदाउट सॉल्ट वाटर हम इस मशीन पे वर्क कर ही नहीं सकते। तो अभी स्क्रब क्या है, इसलिए पहले मैं टोनिंग करूंगी इसको, क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं तो पोर्स को फिर से श्रिंक करना जरूरी है। टोनिंग
आयन्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो दोनों आयन्स जब आपस में मिलते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो वही चीज है कि सॉल्ट वाटर हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि हम क्लाइंट की जो स्किन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं, ताकि क्लाइंट को फील हो। और 18 seconds, इससे ज्यादा आप किसी भी मोटर पॉइंट पे वर्क नहीं कर सकते। तो आपको काउंट कर, इससे पेन होता होगा? पेन नहीं होता, वाइब्रेशन फील होगा क्लाइंट, ठीक है। मिनिमम हर एक मोटर पॉइंट पे, अगर हम 11 मोटर पॉइंट की बात की, हर एक मोटर पॉइंट पे आपको इसको मिनिमम 10 seconds या तो फिर मैक्सिमम 18 seconds, कितनी देर लगता है। हम क्या बोलते हैं इसे? इसको प्रोब, ये इलेक्ट्रोड भी होता है, इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। इससे मोटर पॉइंट पे क्या करेंगे मैम? इसको मोटर पॉइंट पे प्लेस करना है, ठीक है। मशीन अपना काम खुद ही कर लेगी, बस आपको प्लेस करना है, और कुछ भी नहीं। ओके, सो इसमें एक इंटेंसिटी का ऑप्शन होता है और एक फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना क्लाइंट को फील होगा, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम अगर क्लाइंट करवा रहा है तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हमेशा कम रखूंगा, क्योंकि क्लाइंट घबरा जाएगा, दोबारा वो आएंगे ही, है ना। तो इसीलिए आदत लगती है, इसीलिए आप अगर उनको दूसरी सिटिंग के लिए बुला रहे हो तो थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लो, थोड़ी इंटेंसिटी और बढ़ा लो, थर्ड सिटिंग में और बढ़ा लो, क्योंकि क्लाइंट को अब फील होने लगा है, तो उनको पता है कि क्या होने वाला है, तो एक यूज थ्रू हो जाते हैं ना चीज़ों को लेकर। नॉर्मली क्या कितनी होना चाहिए? नॉर्मली अगर हम देखें तो 20 मिनिमम फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी 1, ठीक है। 1 इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी 20। आपके पास इंटेंसिटी का ऑप्शन है कि आप 8, इसमें होती है लिमिट, बट 8 तक हमें नहीं करनी, हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है 3, ठीक है, इंटेंसिटी की। और फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम लिमिट होती है हमारी 40, इससे ज़्यादा नहीं तो पूरा वाइब्रेशन होता दिखेगा, हर एक मसल वाइब्रेट करती है। अगर ये वाइब्रेट की तो क्लाइंट डरना ही डरना है पक्का, ठीक है। तो इसीलिए आप फ्रीक्वेंसी को कम रखो 20 मिनिमम और मैक्सिमम 40, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद इंटेंसिटी हमारी मिनिमम 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा, ओके। क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो बॉडी पे वर्क करते हैं वो 8 इंटेंसिटी पे वर्क करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि फेस पे कर रहे हैं। अगर आप बॉडी पे कर रहे हो आप भी कर सकते हो 8 इंटेंसिटी, क्योंकि ये जो फेरेटिक मशीन है वो बॉडी की भी आती है, ठीक है। तो बॉडी थेरेपीज में हम लोग यूज़ करते हैं, पर फेस पे 3 मैक्सिमम, ओके। आप लोग खुद पे फील करके देख सकते हो उस चीज़ को, उसके बाद क्लाइंट पे करो। कोई भी चीज़ पहले खुद पे ट्राई करो, बाद में ट्राई करो। 1 और 3 मिनट्स का बता रहे ना, 1 और 3 मिनट्स का बता रहे हैं। मैं इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ कि आप कितना करंट दोगे क्लाइंट पे। 1 सबसे कम है मिनिमम, और मैक्सिमम हमें 3 पे जाने, 3 पे जाना। तो अब मैं सॉल्ट वाटर लगाऊंगी हर एक पॉइंट पे, आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है, क्योंकि जलता है ना सॉल्ट वाटर, तो हो सकता है क्लाइंट को जलन हो, इसीलिए हम लोग जहाँ जहाँ पे पॉइंट है हमारा सिर्फ उसी पे गए, ठीक है। अब मैं कुछ अजीब अजीब नाम लेने वाली हूँ आप लोग के सामने, उससे घबराने की जरूरत नहीं, आप वो मसल्स के नाम है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कितने अजीब अजीब नाम है, ऊपर देखो डेल्टॉइड, पेक्टोरिस मेजर, तो ऐसे नाम फेस के भी हैं, तो हम लोग वो पढ़ेंगे अभी, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड, जो होता है नेक पर, ठीक है। होती है ना किसी किसी के नेक बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो उनको भी आप दे सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग वर्क करेंगे यहाँ नेक पर, तो जहाँ पे पॉइंट है हमारा सिर्फ वहीं पे हम लोग लगाएंगे, और हर एक पॉइंट पर क्लाइंट से पूछना है आपको कि उनको कुछ फील हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आपको मेन पॉइंट नहीं मिला तो क्लाइंट को कुछ भी फर्क नहीं पता चलेगा, ठीक है। जिस जब भी आप मेन पॉइंट पे आओगे तो क्लाइंट को उसी टाइम फील हो जाएगा कि हाँ इन्होंने कुछ तो किया है मशीन पे, ओके। तो इस तरह से इसकी होल्डिंग होती है, आपने अगर इसको ज़्यादा दूर रखा तो भी क्लाइंट को कुछ फील नहीं होगा, और अगर इसको पास में रखा तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें इतना डिस्टेंस होना जरूरी है, 1 finger, बिल्कुल 1 finger डिस्टेंस, 1 भी नहीं है, हाफ, ओके। अब हम इसको प्लेस करेंगे दोनों को एक साथ, रखना है एक बार अगर पॉइंट मिल गया तो उसको वहीं पे छोड़ दो, फिर उसको हिलाना नहीं होगा। कितने सेकंड?
सेकंड मैंने आपको बताया ना, मिनिमम आपके 15 सेकंड्स या 10 सेकंड्स कर सकते हो आप, मैक्सिमम 18 सेकंड्स आपको काउंट कर, नहीं तो क्लाइंट को थकान होने लगी है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो जैसी थकान होती है ना उसी टाइप की थकान होने लगी। जब हम लोग ये मशीन बॉडी पे यूज करते हैं उसके बाद तो क्लाइंट को रिलैक्सेशन के लिए आधा घंटा हमें सोने के लिए देना पड़ता है, उसके बाद जूस वगैरह देना पड़ता है ताकि क्लाइंट थोड़े से स्टेबल हो जाए। मैम ये वर्क क्या करते हैं? ये स्किन को लिफ्ट करती है, ये मसल्स पे वर्क करती है, तो हम लोग मसल्स को टोन करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब ब्यूटी बोन, किस किस को पता है ब्यूटी बोन का है ना, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंट होता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं प्लेटेस। मैम दोनों तरफ या किसी भी एक तरफ? दोनों तरफ होता है, आपको दोनों पर लिखी हुई है कि कौन सी प्लेसिंग कहाँ पर, आप उसका फोटो ले लेना, क्योंकि ये नाम ऐसे है कि एक बार में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, समझ लेना। फेस पे इंटेंसिटी आप और कम कर सकते हैं क्योंकि सेंसिटिव एरिया, तो ज़्यादातर ना चिक वाले एरिया पे जब हम आते हैं ना तो उस टाइप के सेंसेशन होते हैं क्लाइंट को ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा कम रखते हैं। एक पर? हाँ एक ही पर, उससे ज़्यादा नहीं। अभी क्लाइंट को एक में फील हो रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बढ़ाऊँ, ठीक है, कभी कभी नहीं होता है फील तो कर सकते हो। अब जैसे डायबिटिक क्लाइंट होते हैं जिनको डायबिटीज होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको हो सकता है, उनको सेंसेशन फील नहीं होता क्योंकि उनकी सेंसेशन पावर बहुत कम होती है। अब देख रहे हो उनको चोट भी लग जाती है तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होती है डायबिटिक क्लाइंट्स को, इसीलिए क्योंकि उनकी हीलिंग पावर भी बहुत कम होती है, सेंसेशन पावर के साथ साथ हीलिंग पावर भी, तो उनको कुछ फील ही नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो बट उनकी स्किन को हार्म होगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी पॉइंट रखा है इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर, मतलब डबल चिन, मेनली डबल चिन, चिन एरिया है मेंटल। अब लिप क्या था? ये है ऑर्बिक्युलरिस और लिप वाले के, इस मशीन का ना एक फैक्ट है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, ये भी अंदर से ही हाँ। जैसे हम लोग देखते हैं ना किसी किसी का बहुत चबी स्किन होता है ना तो आपको इसको बहुत प्रेस करना पड़ता है क्योंकि हमें इससे मसल से टच करवाना है, क्योंकि हम वर्क तो उसी पे कर रहे हैं, तो अगर ये मसल से टच नहीं होगा तो भी क्लाइंट को फील नहीं होगा, तो मसल्स पे प्रॉपर आपको टच करवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल होती है, देखो वहाँ पे फेशियल मसल, सिर्फ हमारे फेस पर ये वाले एरिया पर मसल नहीं होती, नोज यहाँ पे बोन के ऊपर सीधा स्किन होता है, बाकी सब जगह होती है मसल। अपर लिप पे करेंगे यहाँ पे भी मसल होती है, ठीक है, जिसका नाम है लेविटर लेवी मसल का। कभी कभी ऐसा होता है क्लासेस में लेबर स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम इससे अच्छा तो हम डॉक्टर ही बन जाते हैं, ऐसी चीजें आप पढ़ा रहे हो, लेविटर लेवी। जॉ लाइन, ये भी सबका है कि जॉ लाइन अच्छी शार्प चाहिए है ना, तो वो उस मसल का नाम होता है मैसेटर जो जॉलाइन पे होती है। जॉलाइन पे थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढना,
क्योंकि यहाँ पे चबीनेस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जल्दी पॉइंट नहीं मिल पाता है कभी कभी, तो आप लोग क्लाइंट से पूछ सकते हो, उसको प्रेस करिए। नहीं सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर, हाँ एक हमने मेंटलिस यहाँ किया और एक ही पॉइंट बस, ठीक है। तो जो यहाँ पे मिला है ना उसी के सामने यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट, एक बार ढूंढने के लिए दूसरी जगह तो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके अब हमारे चिक वाले एरिया में, ठीक है, वहां पर इंटेंसिटी आपको कम ही रखनी है। तो चिक वाले एरिया को हम बोलते हैं जाइगोमेटिकस, जाइगोमेटिकस अब आएंगे आइस के पास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिक्यूलरी सॉक्यूली, बिल्कुल सेंसिटिव एरिया है इसीलिए बहुत केयरफुली करना है यहाँ पर। अगर आपका हाथ थोड़ा भी हिला तो हो सकता है क्लाइंट की आंखों में भी लग जाए, क्योंकि रॉड है ना, हाँ मतलब हर पॉइंट पर, पूरे पेज पर। मैम वाइब्रेट होता है या हील लगती है? आप देख सकते हो आई थिंक की वाइब्रेट हो रही है, आप आके यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है ये, वाइब्रेट होती है मैं नहीं बोला, नहीं छुपाई का क्या ऑर्बिक्यूलरी सॉक्यूली मैम, वाइब्रेट की और भी मशीनें आती हैं सेल वाली, तो उसमें भी नहीं, वो अलग होता है, वो सिर्फ जो वाइब्रेशन होता है ना वो आपके नर्व को स्टिमुलेट मतलब एक्टिव करता है, कि आपको सेंसेशन पावर, जैसे मैंने आप लोगों को बोला सेंसेशन पावर किसी की कम होती है उनको दिया जाता है ताकि उनकी सेंसेशन पावर बढ़े। ऑर्बिक्यूलरी ऑक्यूली वहाँ पे सब लिखा है, मैं आपको दूंगी, आप यहाँ से फोटो ले सकते हैं, सब कुछ लिखा है। और किसको देख रहा है वाइब्रेशन? देख सकते हैं आप, दिख रही है आपको, अभी सेंसिटिव एरिया इसलिए वो वाइब्रेट कर पा रहा है। नीचे कॉर्नर पे रखा था आपने वाइब्रेशन? हाँ जी यार, के नहीं यहाँ पर रखा था मैंने, यहाँ पे रखा था ना आपने, okay. इसको जॉ लाइन वाले एरिया बोलते हैं ऐसे, कभी एयर के नीचे रह के जाना है नेक पे तो नहीं, नहीं वहाँ पे आप चार्जेस क्या होते हैं? कोई भी मशीनरी ट्रीटमेंट अगर आप देते हो 1500 स्टार्टिंग एक सिटी, इससे नीचे अगर देखते हैं बहुत सारे लोग कर भी देते हैं, बट ऐसा होता है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारा टाइम है, जो हमारा मशीनरी ट्रीटमेंट है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वही बहुत अच्छा है कि आप किसी किसी को ट्रीट कर रहे हो, तो इतने लो प्राइस पे मत करो, क्योंकि अगर आप ही अपनी मतलब एक बेंचमार्क होता है ना वो सेट करोगे तो वो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार कम प्राइस में दे दोगे दूसरी बार अगर क्लाइंट को बोलोगे कि हम अब इतने में करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो यही बोले थे आपने लास्ट टाइम तो इतने में किया था, आप गारंटी लो ना बिल्कुल लो कि हाँ हम ठीक करेंगे आपके स्टेज में, बिल्कुल होती है, अगर आप सिटिंग होती है ना जैसे हम लोग देखते हैं 8 सिटिंग्स मिनिमम 10 सिटिंग्स इस तरह से दो क्लाइंट को, तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन हमेशा अपनी वैल्यू को बढ़ाओ इस चीज़ में। नॉर्मल फेशियल भी कर देते हैं हम तो 500 में 600 में, वो भी मेरे बहुत बोल दिया शायद, कई कई बार तो 200-300 में भी हो जाता है, लेकिन नहीं 1500 मिनिमम चार्ज आपका होना चाहिए कोई भी मशीनरी
फेशियल मैम सेटिंग्स का जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है, जैसे अभी ये 15 डेज में एक बार होता है, वैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड आप लोग को बोला वो एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप करो या डेली भी कर सकते हो, बट डेली क्लाइंट आएंगे नहीं तो वीक में दो बार बुला लो क्लाइंट को, तो बाकी सारे हाई फ्रिक्वेंसी है उसके लिए भी आप वीक में दो बार बुला लो क्लाइंट को, सेम हो जाता है। भले आपका स्किन टाइप ऑयली है वो भी कहीं ना कहीं ड्राई की तरफ चला जाता है, तो आप ऑयली हुआ ड्राई हुआ उन पर ये नहीं कर सकते, आप मैच्योर स्किन ही होना कपल्स की एक एज होती है, जैसे 35 के बाद आपने शुरू कर दिया करवाना, हर महीने महीने में एक बार करवाओ, उस टाइम पे जरूरी नहीं है बट करवा, ताकि जो ये लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम है जो स्किन आपकी लूज हो रही है ना वो नहीं होगी, जल्दी डिले हो जाएगा सब। अब जैसे रेटिनॉल जानते हैं, कौन कौन जानते हैं रेटिनॉल, एक इंग्रेडिएंट है विटामिन ई, जानते हैं ना सब कैप्सूल आती है विटामिन ई, वो रेटिनॉल ही होगी। तो 28 अगर आपकी स्किन ड्राई है तो 28 की एज के बाद उसको लगाना शुरू कर, विटामिन ई के नाम से भी मिल जाता है, मेडिकल पे मिलती है ना कैप्सूल, तो वो आप यूज कर सकते हो कोई भी क्रीम में मिक्स करके, ऐसे डाइट नहीं, डायरेक्ट कभी यूज़ नहीं करते कोई भी सीरम, जो नॉर्मल आपकी ब्रांड्स वाले सीरम आते हैं वो आप डायरेक्ट लगा लो, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हो जो जो एसिड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना सैलिसिलिक एसिड हुआ ग्लाइकोलिक एसिड, उनको किसी चीज़ में मिक्स करके लगाओ डायरेक्ट। क्रीम क्रीम एंटी एजिंग क्रीम मैम, वो कैप्सूल नाइट में लगाना है या मॉर्निंग? नाइट में सीरम ज़्यादातर आप नाइट में ही लगाओ, क्योंकि स्किन सबसे ज़्यादा हमारी रिपेयर ही तब होती है, डे में तो हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बट स्किन क्या होती है ना रेस्ट करती है नाइट, क्योंकि हम सो रहे हैं उस टाइम पे कोई वर्क नहीं होता, तो फिर हमारी स्किन जल्दी ठीक होती है। तो कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट वाली चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उसको नाइट में ही करो। कोई भी ब्रांड, मैंने आप लोग को ये बोला कि ब्रांड कोई भी हो प्रोडक्ट सबके अच्छे हैं, बट डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पर कि क्लाइंट आपको कितना पे कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करो, रिजल्ट आपको सबसे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्वेश्चन था यहाँ से? विटामिन ई कैप्सूल का टाइम पीरियड रहता है कि वीक में इतने ही लगाना है? अब रोज लगाओ, डेली लगाओ, नाइट में किसी क्रीम में आप मिक्स कर लो, एक कैप्सूल पूरा वीक चलना चाहिए, ठीक है, उतना क्रीम ले लो कि आप उसको मिक्स कर पाओ उसमें, जो आपका एक वीक चल जाए। बहुत से लोग हेयर में भी करते हैं, बट हेयर में नहीं करना चाहिए ज़्यादा उसको, जिनका स्कैल्प ड्राई होता है, जिनके ड्राई होते हैं हेयर्स वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्कैल्प वाले नहीं। डैंड्रफ पे तो बिल्कुल नहीं, वो तो और चिपक जाएगा ना, वो मॉइस्चर देता है डैंड्रफ, हमेशा ड्राई स्किन पे एक्सेस ड्राई रहती है तो ड्राई स्किन पे ही डैंड्रफ रहता है। हेयर में हेयर की बात करें डैंड्रफ भी तो कर सकते हैं, नहीं वही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दो टाइप के आते हैं डैंड्रफ के, एक ऑयली वाला भी आता है और एक ड्राई वाला भी आता है, तो ड्राई पे अगर है तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑयली है तो फिर नहीं कर सकते। स्कैल्प भी आते हैं, ऑयली भी आते हैं, ड्राई भी आते हैं, हमारी स्किन होती है वैसे, हम जिसकी स्किन ऑयली उसका स्कैल्प भी ऑयली होगा, बिल्कुल होगा। ऑयल जैसे अगर आप वॉश करते हो तो शाम तक ही हो सकता है ऑयल आना शुरू हो जाए दूसरे दिन, तो हमारे स्कैल्प के साथ भी ये होती है। प्रेशर दे सकते हो, जब आप फॉरहेड पे आते हो तो आपको सॉफ्टली यूज करना पड़ता है, क्योंकि फॉरहेड पे ज्यादा प्रेशर दो क्लाइंट को हेडेक हो सकता है, क्योंकि फॉरहेड वाला एरिया ही अच्छा, बट क्लाइंट बोलता है टाइट मसाज दो, टाइट मसाज तो तब क्या करें? बिल्कुल दो पे, क्लाइंट की नीड है, क्योंकि वो अधिकतर क्लाइंट यही बोलता है कि टाइट मसाज चाहिए। बट मुझे आप बताइए, अगर मैं इतना ज्यादा फास्ट अगर करूंगी या टाइटली हाथ अपने चलाऊंगी तो क्लाइंट रिलैक्स कैसे होगा? हमारा मेन मोटिव ही रिलैक्सेशन होता है, बट आजकल है ना क्लाइंट्स
उसकी मेंटेलिटी वो हो गई क्योंकि उन्होंने वही चीज देखी है, उन्होंने कभी ये चीज फील ही नहीं की, तो उनको कैसे पता चलेगा। जैसे दो तीन महीने में करवाते हैं कोई कोई क्लाइंट, तो बोलते हैं रिलैक्स करना, ये थकान हो रही है, हो रहा है, तो एकदम टाइट दो। बट आपको क्लाइंट को कन्विंस तो करना पड़ेगा। एक बार उनको आप ये चीज बोलो कि एक बार ये वाली सर्विस करवा दे, उनको आएगी पसंद, बिल्कुल आएगी। बट आप जब तक करोगे नहीं, क्लाइंट को वो चीज पता भी नहीं, रिलैक्स से करें तो उनको लगता है कि अच्छे से किया ही नहीं। जो समझते दो चार कस्टमर वो तो चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं आप स्मूथ आज चल रहा चीज स्लो नहीं चल रहा। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार यहाँ पर मॉडल बन के बिल्कुल आ सकते हैं सभी, तो करवा के देखो। आप लोग खुद जब तक फील नहीं करोगे आप लोग क्लाइंट्स पर नहीं कर सकते। टच जो फील होता है बहुत बढ़िया होता है, लिफ्टिंग जो होता है बिल्कुल बहुत बढ़िया होता है। अब देखते हैं ना, ये चीज़ बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए बट वो नहीं होती उसके, मतलब ऐसा होता है कि मैंने भी बहुत जगह देखा है कि बिल्कुल क्लाइंट रिलैक्स तो दूर की बात है, क्लाइंट अगर सो भी रहा होगा ना तो उसको उठा दे। अधिकतर क्लाइंट सो ही जाते हैं फेशियल। एक घंटे का होता है फेशियल बिल्कुल। अब अगर हम हमारी बात करें तो ऐसा है कि टाइम ही नहीं है, इतना टाइम भी नहीं दे सकते, एक घंटा भी नहीं दे सकते कि इतना टाइम दे दो हम फेशियल के लिए, तो कोई तो बहुत जल्दी में का प्रोसेस ले लेता, ध्यान में रखते हैं जोर से ऐसा करते हैं समझ में आ रहा है नीचे ले जा रहा हूं ले जा रहा हूं। टाइमिंग क्या रहनी चाहिए फेशियल की, प्रॉपर फेशियल की टाइमिंग, अगर आप मशीनरी ऐड करते हो तो फिर 1 and a half hour आपका होना चाहिए, और अगर नॉर्मल फेशियल कर रहे हो तो 1 hour। आप लोगों ने करवाया तो होगा ना फेशियल, ब्रावी से करवाया, सभी ने करवाया होगा, करवाते हैं। नहीं मना में मसाज कितने टाइम, डिपेंड्स क्लाइंट के ऊपर, आपका टाइम कितना बच रहा है उसके अकॉर्डिंग मसाज के क्लाइंट को। मिनिमम मुझे लगता है 15 minutes तो होनी चाहिए। यस मिनिमम मैम, बट एज के हिसाब से भी मसाज डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सेम मसाज दे सकते हैं हर क्लाइंट को, सभी को सेम दे सकते हो क्योंकि रिलैक्सेशन ही देता है मसाज तो बस, तो आपको रिलैक्स तो हर क्लाइंट को करवा सकते हो आप। अच्छी बात है, क्लाइंट जितना रिलैक्स करेगा उतनी स्किन पे ग्लो आएगा। बट जैसे हमें बताया गया था तो हमें तो यही बताया गया था कि जैसे एज के हिसाब से देना चाहिए, मतलब किस अकॉर्डिंग टाइमिंग आप लोग करते हैं एज के हिसाब से। हाँ जैसे अगर एज कम है तो मसाज कम देने चाहिए, नहीं तो लूजनेस के चांसेस रहते हैं, ऐसा बताया गया था। आप तो रोज भी कर सकते हो मसाज, हम लोग जैसे नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो मसाज करो उसके साथ।
कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार अगर स्किन आप एज आपकी बढ़ती जा रही है उसके बाद तो करना ही बहुत जरूरी है ये चीज। प्रेशर कौन बताने फॉरहेड पे प्रेशर बहुत कम, मैं इस फिंगर का यूज कर रही थी फॉरहेड पे, ये फिंगर ऐसी होती है हमारी जिसमें सबसे कम प्रेशर है। अगर कभी इस गलती से प्रेशर हो भी जाएगा तो भी नहीं हो क्लाइंट को फील होगा, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है फॉरहेड वाला हमारा जहाँ पर आप ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। आप वो सारी फिंगर्स का यूज़ कर रहे हो तो ठीक है आपने प्रेशर दे दिया, लेकिन एक फिंगर से आप खुद भी अगर ट्राई करके देखोगे तो पेन होने लगेगा। ये रिंग फिंगर हमारी ऐसी होती है जिसमें सबसे कम प्रेशर। मैम फेशियल के टाइम पे नेल्स नहीं बढ़ाना? बिल्कुल नहीं, जो हम लोग ने अभी स्टार्टिंग में किया अब यहाँ पर मैं कर रही थी यहाँ से सबसे एक ज्यादा प्रेशर पॉइंट होता है यहाँ पर ये वाला ही। हाँ एक और होते हैं बाकी ईयर के पास, तो हम लोग उसमें इस तरह से ड्रेनेज करते हैं ये, और होता है एक यहाँ पर 1, 2, 3, 4 and 5 जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए रिलैक्सेशन मिलता है। उनके साइनस में भी उनको बहुत फर्क पता चलता है, अगर आप रेगुलर भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल होता है, बट हमने दोनों जगह पर करना पड़ेगा क्योंकि होता है किसी को ये साइड होता है किसी को ये साइड होता है, मुझे डिपेंड करता है कि कौन सी साइड है। सर्कल्स अगर आप यहाँ पे भी सर्कल इस तरह से कर रहे हो तो बिल्कुल हल्के हाथों से और रिंग फिंगर से हमेशा। होता है ये पीछे जब हम लोग हार्मोनाइजेशन करते तब करते ईयर के पीछे 1, 2, 3, 4 and 5 बिल्कुल ठीक पीछे होता है। एक होता है यहाँ पर आईज के नीचे 1, 2, 3 and 4 पॉइंट होता है ना, यहाँ पे पफीनेस होती है ना उसको भी हटा। हाँ अभी आएगा प्रेशर पॉइंट्स तो बहुत होते हैं। यहाँ से प्रेशर देके आपको जाना है नीचे, प्रेशर पॉइंट का भी चार्ट होता है। हाँ हमारे मतलब अलग से होता है, चार्ट नहीं है उसका लेकिन बुक्स होती हैं तो बुक्स में सारी चीजें होती हैं। ज़्यादा कुछ होता नहीं ना, स्टीम होती है कुछ भी ना, आप प्रसार भी उसमें कम कर सकते हैं। ओके तो अभी आप थर्मो पैक लगाएंगे लिफ्ट जाए, सारे हेयर्स आपको कवर करने हैं। अगर उस पैक में हेयर आ गए तो फिर आपको सारे हेयर्स को कट करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना, तो इसीलिए हेयर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो ये जो फेशियल हेयर है इसको भी कवर करने के लिए हम लोग क्रीम एप्लीकेशन करें, आपको क्रीम एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है फेस पर ताकि वो पैक इजीली रिमूव हो पाए और हीट की वजह से क्रीम भी पेनिट्रेट हो जाएगी अच्छा, तो इसलिए प्रॉपरली क्रीम एप्लीकेशन। आईब्रोज पे भी मेन है क्योंकि तो अगर ये वाले हेयर भी पैक में आ गए क्योंकि हम लोग सिर्फ इनका नोज एरिया ऊपर रखेंगे पूरा पैक कर, तो इसीलिए हर जगह पर आपको क्रीम एप्लीकेशन करनी है। हम डायरेक्ट करेंगे या नेट लगाएंगे? नेट तो जिसको हम बॉल्स बोलते हैं, एक फ्रेम होती है प्रॉपर फ्रेम के साथ ही।
इसलिए जरूरी है ताकि प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके पास बन पाए और आप उसको निकाल पाओ। अगर आप फ्रेम नहीं लगाओगे तो हो सकता है प्रोडक्ट नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो लगाते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेम। कॉटन पूरा इस तरह से होल्ड करना है आपको, फिर भी प्रॉब्लम बता दूँगा मैं इमीजिएटली बता दूँगा। ठीक है, नो देरी आपको ओपन है। आइस पर इस तरह से रखना है आपको। अब रखेंगे हम गॉज, इसको हम गॉज बोलते हैं क्योंकि कोई भी अगर आप सेटिंग प्रोडक्ट लगाते हो या सेटिंग माल जो फेस पर सेट हो जाते हैं उनको लगाने के लिए आपको इसी का यूज करना है। ये आपको मेडिकल पे भी मिल जाएगा, कॉस्मेटिक शॉप्स पे तो नहीं मिलता ये, बट मेडिकल पे जरूर। गॉज GAUSE। अब हम एप्लीकेशन करेंगे, ये होता है थर्मोहम पैक। ठीक है, इस तरह का होता है, इसमें हमेशा गर्म पानी डालना जरूरी है। अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी, इसीलिए आप गर्म पानी यूज करेंगे इसमें। कितना वाटर लेना है? बहुत कम, जितना ज़्यादा अगर आपने इसको पतला कर दिया तो बाद में आपको नॉर्मल बनाते हैं। हाँ जी, पर ज़्यादा पानी भी मत डालना नहीं तो फिर आप एप्लीकेशन ही नहीं कर। ये मैटर करता है, 850 का एक पूरा आता है इसका कंटेनर, आप बहुत बार यूज कर सकते हो। क्या नाम है कितना ही पतला रखना है? हाँ जी, आप बैठ ताकि आप एप्लीकेशन तो कर पाओ। अगर आप ज़्यादा भी उसमें कम करोगे नहीं पाएंगे ना, ज़्यादा हाँ स्प्रेड भी नहीं होगा और वो जल्दी ड्राई भी होता है। अगर आप ठंडा पानी डालते हो अभी तक ड्राई हो जाता, ठंडा पानी बिल्कुल यूज नहीं करना। मतलब हो गया इसका प्रोसेस, आप निकाल सकते ऊपर दिखती नहीं होगी। हाँ आप जब हाथ रखोगे तो आपको फील होगा, फिर भी मिनिमम आप लगाते हैं? मिनिमम मैं रखती हूँ इसको 5 to 8 minutes मिनिमम हो जाता है। वाले मैम भी सिखाते हैं क्या आपके यहाँ?